अब चालू करते हैं, सामान सेट करना अभी। अपने क्या बोलते हैं ऑफिस टेबल का सेटअप कर रहे हैं। ऑफिस टेबल का सेटअप करेंगे और फिर बाद में क्या कहते हैं फिर बाद में क्या करेंगे, बाद में कुर्सी बनाएंगे और क्या करेंगे, बाकी सामान अंदर रखेंगे। थोड़ा सही है यार, अभी वहाँ पे बहुत सही भी बात है, बाहर पता नहीं देख पाओगे, दिखाएंगे थोड़ी देर में आपको बाहर का भी। ओके, अब इस पर हम इस पर अभी टाइम लैप्स लगा देते हैं ताकि क्या कहते हैं उसे आपको लंबी वीडियो ना देखनी पड़े, है ना। टेबल हो गई, कुर्सी हो गई, अब लगाएंगे मॉनिटर, क्या समझे, ठीक है ना। हम मॉनिटर का काम करते हैं और टेबल को लगाते हैं अंदर की तरफ, तो हम थोड़ा कैमरा का डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब ऐसे लगाएंगे तो हमें उधर दिखेगा, मतलब वीडियो कॉल वगैरह में, और ऐसे लगाएंगे तो पैरों पे हवा लगेगी। कहाँ लगाएं इसको समझ नहीं आ रहा, तब दिक्कत तो है नहीं, सिर्फ लगा सकते हैं। ऐसे लगा सकते हैं बट प्लास्टिक लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं, तो ऐसे लगा देते हैं इसको, ठीक है ना। खिड़की देखते हैं खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, उसका गारंटी नहीं हमारे पास अभी। हाँ ओके, इससे पहले हमें टेबल के लिए लगाएंगे जिससे वायर्स मैनेजमेंट हैं आराम से, वायर्स मैनेजमेंट की लगाएंगे। उसके बाद ये हम लगाएंगे टेबल के लिए ताकि टेबल ऊपर नीचे हो सके, है ना। और हम
हम केबल को लॉक कर देंगे सिक्योरली अपनी एक जगह पे, ताकि ऐसे जब बैठे हों या फिर तो केबल ऐसे परेशान ना करे। तो इसको इसलिए केबल को हम ऐसे एक अपने पोजीशन पे लॉक करेंगे। ओके, केबल लॉक हो गई, डेस्क पीछे हो गई। अब हम देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमारी डेस्क चल रही है बढ़िया, ऊपर हो गई डेस्क। अब हम मॉनिटर खोलेंगे। ये मॉनिटर का बेस है, इसको हम सेट करेंगे बेस को यहाँ पर लगा के। ठीक है, ये बेस को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा बेस को, इसको स्क्रू टाइट करके नया नहीं हूँ तो गंदा लग रहा होगा मैं, बट दैट्स फाइन। बेस लग गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, मॉनिटर को फिट करेंगे और क्या करेंगे? तो मॉनिटर को कैसे फिट करेंगे, मॉनिटर को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, मॉनिटर को डब्बे से निकालते वक्त ही फिट करके निकालते हैं। तो ये हमारा मॉनिटर का क्लैंप है, इसको ऐसे टाइट करेंगे। अच्छा सॉरी नहीं हो रहा, तो पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा। ओके नो वरीज, बाहर निकाल लेंगे इसको और इसको एज अ बेस यूज कर लेंगे, इसको एज अ बेस यूज कर लेंगे और हम यहाँ से ऐसे क्लैंप लगाएंगे। क्लैंप लग गया, अब हम इसको सिक्योरली बाहर उठा सकते हैं और इसको ऐसे इसके ऊपर यहाँ रख देंगे। सही है, लग गया मॉनिटर, लग गया मॉनिटर की अलाइनमेंट सेट हो गई। अब मॉनिटर की केबल का है, मॉनिटर केबल भी लगेगी ना। चीज़ थी जो करनी थी, बाकी सामान है जो मैं सेट कर दूंगा। अब मैं टूर दे देता हूँ आपको। तो ये है हमारा पूरा जो सेटअप हमने अभी रेडी किया है, राइट। मॉनिटर लग गया, कीबोर्ड वगैरह लग गए, नीचे टेबल का हाइट एडजस्टमेंट का पावर वगैरह लगा दिया, चेयर हमने फिक्स कर ही ली, चेयर हमारी रेडी है। बाकी सामान है, कपड़े वपड़े और भी चीज़ें हैं जो हम अंदर फिक्स करेंगे। ये ट्रॉली भी है, इसको भी रिटर्न करना है। ये हमारी नई ट्रॉली, और ट्रॉली के इस तरफ हमारा बाथरूम है। अभी तो मैंने ब्लॉक कर रखा है, तो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। बाकी ये हमारा चूल्हा है, विच इज़ अ गैस रेंज, लकी गैस रेंज मिल गया, वरना गैस रेंज मिलता नहीं है यहाँ पे। नीचे ओवन है, ऊपर चिमनी कम माइक्रोवेव है, और यहाँ पे हमारा डिशवाशर है, वो वाइन है जो मैं पीता नहीं हूँ, बट कोई नहीं, फ्री में मिल रही है तो रख लेंगे, किसी दिन कोई जो पीता है उसको दे देंगे, क्यों। ये हमें वैसे वेलकम के लिए मिली थी, जो घर में मूव करते हैं तो वो लोग एज अ वेलकम काइंड ऑफ है ना, ट्रीट या कुछ मान लो जो भी है वो देते हैं। और तो कुछ नहीं है, बढ़िया सा एकदम स्टूडियो है हमारा, स्टूडियो अपार्टमेंट है, बाहर से व्यू ऐसा आता है। पुराने वाले मकान जितना ग्रेट नहीं है, मतलब पुराने वाला बहुत अच्छा था, क्योंकि उस पर जो वो स्पेस नीडल दिख रहा है आपको, वो देखो बीच में स्पेस नीडल, वो एकदम क्लीन क्लियर एकदम बढ़िया दिखता था, इसमें वैसा नहीं दिखता। तो बट कोई नहीं, इतना बुरा नहीं है। बाकी जितने हमने देखे मूव करने से पहले, उसमें काफ़ी ऐसे ना ऐसे, जैसे अब मान लो ऐसी किसी बिल्डिंग में देखा मैंने, ठीक है, तो ऐसी किसी बिल्डिंग में अगर देखा तो मुझे मिल रहा था मान लो 10वें फ्लोर पे किसी पे अगर कोई घर मिल रहा था, तो उसकी खिड़कियों के जस्ट बाजू में दूसरी बिल्डिंग है, तो सूरज की रोशनी नहीं आएगी पूरे दिन में, क्या फ़ायदा है ऐसे घर का लेके। सस्ता ज़रूर है बट कोई पॉइंट नहीं है ना, तो इसलिए मैंने ये वाला लिया। इसमें ना पूरा
इधर से कुछ नहीं दिखता, इतनी लाइट आती थी, अभी मेरे को लाइट की ज़रूरत ही नहीं लग रही कहीं पे भी, तो इसलिए मैंने ये वाला फाइनल किया। और अब थोड़ा और सामान है जो कि मैं पैक करके अभी सेट कर दूँगा। चलो अब लेते हैं आपसे